वर्ग दो के लिए हमारा क्वेश्चन है, एक टैंक को नल ए द्वारा 3 घंटे में भरा जाता है, नल बी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है और नल सी द्वारा 6 घंटे में खाली किया जाता है। अब यदि तीनों नलों को खोल दिया जाए तो हमारा टैंक कितने समय में भरेगा, तो हमें समय निकालना है। हम क्या करेंगे, तीनों नलों को लिख लेंगे और इनके समय को लिख लेंगे। ए 3 घंटे में भर रहा था, बी 4 घंटे में भर रहा था, सी 6 घंटे में खाली कर रहा था। इन तीनों के समय को हम जो है एलसीएम इसका लिख लेंगे। अब ये जो 12 है, 12 हम कह सकते हैं कि हमने टैंक के 12 भागों में टैंक को हमने बांट लिया, ठीक है। तो जब 12 में हम 3 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 4, जब 12 में 4 का भाग देंगे हमें मिलेगा 3, 12 में 6 का भाग देंगे हमें मिलेगा 2। तो जब 1 घंटे में हम यदि निकालना हो तो 1 घंटे में ये 4 भाग भर रहा है, ये 3 भाग भर रहा है और ये 2 भाग खाली कर रहा है, तो टोटल कितना भाग भराएगा 1 घंटे में, इसे निकालने के लिए हम इन्हें जोड़ देंगे 4 प्लस 3। अब क्योंकि ये खाली कर रहा है तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये जाएगा 4 प्लस 3 7 - 2 = 5। ये 1 घंटे में हमारा टैंक का 5 भाग भर रहा है, हमें टोटल समय निकालना है। तो चूंकि टोटल भाग थे हमारे 12, 1 घंटे में 5 भाग भर रहा था तो हम 5 से भाग कर देंगे, इसको और सोल्व करेंगे तो 5 इसको सही बटे में लिखना होगा तो हमारा जाएगा 2 सही 2/5, ठीक है। तो 2 सही 2/5 घंटे में हमारा टैंक पूरा भरा जाएगा, 2 घंटे। और इसे यदि हमें मिनट में निकालना है तो हम 60 से इंटू कर देंगे 2/5 का, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 24, ये जाएगा हमारा 24, तो हम रख देंगे 2 घंटे 24 मिनट।